उज्जैन के दशहरा मैदान क्षेत्र में रहने वाले पेट्रोल पंप इंगोरिया भारत सर्विस सेंटर इंगोरिया जमीन भूमि के मालिक सर्वे नंबर 532.20 एरा के मालिक हैदर अली मोहसिन अली कांचवाला। दशहरा मैदान उज्जैन के नाम से है। अब इस भूमि पर पेट्रोल पंप है कि डीलरशिप जिसको दी थी वह खाली नहीं कर रहे हैं, जिससे उक्त जमीन मालिक बेहद परेशान है और बेहद तनाव और परेशानी के दौर से गुजर रहा है। उसी को लेकर पूरी समस्या पूरी परेशानी इंगोरिया थाने और जिलाधीश के समक्ष पत्र के माध्यम से की गई है। हैदर अली का कहना है कि टप्पा कार्यालय इंगोरिया नायब तहसीलदार के समक्ष भी परेशानी बताई गई थी और निराकरण करवाने की मांग की गई थी, पर नहीं हुई थी उनकी कोई सुनवाई और दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए हैदर अली को। सर नमस्कार, हैदर अली भारत सर्विस सेंटर इंगोरिया जब पेट्रोल पंप जमीन का मालिक मैं बोल रहा हूँ। ये मैंने जो है तो मेरे दोनों भाइयों को सफीर हुसैन को तैयब अली को उनके दोनों बच्चों को इब्राहिम को और अली असगर को अपनी डीलरशिप हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की डीलरशिप 1 करोड़ रुपये लेके दी है इनको। उनको मैंने डीलरशिप दे दी, उन्होंने उनसे एग्रीमेंट करवाया, ये जो है नोटरी का नोटराइज करवाया, तो मैंने उनको ये सब करके अपनी डीलरशिप के जो कागज़ सब उनको ओरिजिनल दे दिए, सब ये आपकी डीलरशिप आपसे आपकी। सर्वे नंबर 532 जमीन का जो है तो कोई जिक्र नहीं है इसमें, पर सर्वे नंबर 532 जमीन तो वो मेरी है, वो उसका मैंने कोई इनको इनको बेची नहीं है, मैंने सिर्फ डीलरशिप इनको बेची दी है और वो अभी तक कंपनी में ट्रांसफ़र हुई नहीं है। अब इन्होंने क्या करा साहब के जो है तो मैं अभी बाहर विदेश चला गया था, करा कि वो जो है तो पटवा ये तहसीलदार इंगोरे तहसीलदार से मिलके इन्होंने साठ गाठ करके और वो जो है तो खसरा पाव के अपने नाम बनवा लिया। जमीन की ओरिजिनल रजिस्ट्री जो है तो बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सराफा ब्रांच गोपाल मंदिर पे 40 करोड़ रुपए का लोन है उस पर, 40 लाख रुपए का लोन है उस पर, और 40 लाख के लोन पर वो जो रजिस्ट्री वहाँ रखी हुई है। रजिस्ट्री ओरिजिनल मेरे नाम की है, पावती मेरे नाम की है अभी ओरिजिनल, और जो है तो खसरे 50 साल से मेरा नाम चला रहा है 1975 से। अब इन्होंने सब ये कर लिया है, उसमें जो है तो कलीन हुई है, उसमें कहीं भी ज़मीन का कोई जिक्र नहीं है, सर्वे नंबर 532 का कहीं कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ जो है तो पेट्रोल पंप का जिक्र, पेट्रोल पंप मैंने दिया है इनको, पेट्रोल पंप के लिए मुझे कोई तकलीफ ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और अभी भी कंपनी में पेट्रोल पंप जो है तो अभी इनके नाम ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, वो मेरे नाम का ही चल रहा है। उसका भी उसको भी लिए मैंने कंपनी में लेटर दे दिए, दो दो मरतबा नोटिस भिजवा दिए कि साहब ये आपका जो है तो ये आपके यहाँ से अंडरग्राउंड टंकियाँ डिस्पेंसिंग यूनिट और ये केनोपी जो लगा रखी है आप उठाइए कहीं वो ले जाइए, मेरी ज़मीन खाली कीजिए। लेकिन वो उन्होंने कोई उनको जू नहीं रह रही, उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। ये सरकारी वकील की रिपोर्ट लेके साहब बताइए क्या नाम है आपका और क्या समस्या आ रही है और क्या पूरा मामला है, क्या दिक्कत है? सब मैं हैदर अली कांचवाला उज्जैन में रहता हूँ, 28/2 GDC रोड पर रहता हूँ, और मेरा एक पेट्रोल पंप इंगोरिया में था जो जमीन सर्वे नंबर 532 पर रकबा उसका 0.20 आ रहे हैं। वो ज़मीन पे पेट्रोल पंप हिंदुस्तान पेट्रोल कॉरपोरेशन का 16 दिसंबर 1976 को कमीशन हुआ था और उसकी पूरी डीलरशिप मेरे नाम और सिर्फ MIA खान साहब के नाम की थी, दोनों हम दोनों के नाम की थी। खान साहब जो है तो डिपो के रिटायर जो है तो डिपो मैनेजर थे इंदौर के, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने मुझे कहा कि भैया अगर ये खान साहब को अगर आप इसमें पार्टनर बना ले वर्किंग पार्टनर तो हम आपको जल्दी से इमीडिएट आपको डीलरशिप दे देंगे। तो सर उनको जो है तो 25% पार्टनर बना लिया नफे नुकसान में, वो ज़मीन और सब तो बाकी तो मेरे नाम का ही था सब टोटल। अब जो है तो वो पेट्रोल पंप जो है 1976 से अच्छा कमीशन हुआ था और मेरे नाम पर चल रहा था। अब मेरी जो है तो कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और मेरी वो जो है तो उम्र भी हो गई है, तो मैंने अपने दोनों भाइयों के सब्बीर हुसैन तैयब अली के दोनों लड़कों के नाम इब्राहिम और अली असगर के नाम जो है तो मैंने अभी उनको 18/11/2019 को उनको दे दिया था 1 करोड़ रुपये लेके। वो 1 करोड़ रुपये मुझे जो है तो बराबर चेक से मिले हैं, वो चेक का उसका पूरा तो हवाला है, इसमें कोर्ट में हमारा सब समझौता हुआ ये हुआ, उसमें कोर्ट में जो है तो
डिग्री में भी कहीं पर भी कोई पेट्रोल पंप की ज़मीन का जिक्र नहीं है, सिर्फ पेट्रोल पंप की डीलरशिप का जिक्र है कि भाई पेट्रोल पंप की डीलरशिप में नहीं करो तुम। अब आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या? सर ये जो है तो ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, और अभी इन्होंने क्या करा कि सब पटवारी जो है तो तहसीलदार इंगोरिया उनसे मिलके जो है। आपने थाने वगैरह पुलिस को शिकायत नहीं की? हाँ मैंने पुलिस में शिकायत है। कहाँ पर की है? और थाने में दिए मैंने, इंगोरिया थाने में दिए, बाकी मुख्यमंत्री जी को करी है, कलेक्टर साहब को करी है उज्जैन में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसमें। और ये जो है तो अब जो है तहसीलदार ने इसमें कुछ लेन देन करके करा है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।